राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 16 रोपवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग इस योजना को लेकर एक प्रस्ताव बना रहा है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विभाग को 19 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय मंत्रालय को भेजने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के आमेर नाहरगढ़ रोपवे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंबोर, सवाई माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और मेहंदीपुर बालाजी समेत 16 स्थानों पर रोपवे का प्रस्ताव भेजा जाएगा। और क्या कुछ रहने वाला है खास, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है और इस कड़ी में अब राजस्थान को 16 नए रोपवे की सौगात मिलने वाली है। 12 जिलों में बनने वाले इस 16 रोपवे से अलग अलग जगहों पे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये कहा है कि हमने जो पूर्व में बातचीत की थी उसी आधार पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि इन 16 जगहों पर राजस्थान में रोपवे का निर्माण हो सकता है जिससे धार्मिक कनेक्टिविटी जो है वह बढ़ेगी। इनमें जयपुर में 2 प्रमुख रोपवे का निर्माण होना है। जयपुर में अब से थोड़े दिनों पहले ही, कुछ ही महीने पहले, एक नया रोपवे बना है और अब 2 नए रोपवे के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग इस प्रस्ताव को तैयार कर रहा है और सोमवार यानी 19 फरवरी तक यह प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य के अलग अलग हिस्सों में और देश के अलग अलग हिस्सों में रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है और ये सभी रोपवे उसी पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनेंगे, जिनमें जयपुर में नाहरगढ़ आमेर में रोपवे, उसके अलावे मेहंदीपुर बालाजी में रोपवे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में रोपवे, इसके साथ साथ 12 जिलों में कुल 16 रोपवे का निर्माण होना है। और ऐसे में राजस्थान के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि यह सौगात जल्द से जल्द मिले जिससे राजस्थान में टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके।